ग्लिटर एपॉक्सी से एक सिरिंज भर लें और इसे बटरफ्लाई मोल्ड में डालें। एपॉक्सी को सेट होने दें। अब इसे मोल्ड से निकाल लें। बिंग से कीचेन और हुक अटैच करें। इससे बहुत सुंदर इयररिंग्स बनेंगे। वाह, अच्छे लग रहे हैं। किसने कहा ये महंगे ही होने चाहिए। हाय डेविड, तुम्हें कुछ पसंद आया? यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे ये पसंद है। वाह, ये कितनी सुंदर है। पर मुझे नहीं लगता मैं ये खरीद पाऊंगी। मैं चलती हूँ। बाय। मैं अपनी खुद की ज्वेलरी बना सकती हूँ। मेरे पास यहाँ सारा सामान है। चलो देखते हैं। ओह, ये काम आएगा। मैं स्प्रिंग पर बीड्स लगा देती हूँ। ये तो काफी मुश्किल है। बस हो ही गया। चलो भी। मैंने कर दिखाया। अब इसे बांध देंगे। दोबारा ट्राई करते हैं। अच्छे से बन गया। बस थोड़ा छोटा है। इसे खींच कर हाथ में पहन लेते हैं। नहीं, ये काम नहीं कर रहा। मुझे इसे ऐसे ही खींचना होगा। नहीं, दोबारा नहीं। बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत हुआ। बकवास ब्रेसलेट, मुझे कुछ सुंदर सा पहनना है। हाँ, ये लेमन्स कहाँ से आए? वाह, जरा वो तो देखो, इतनी सारी है। इससे मुझे एक आइडिया आया। अगर आपको भी फ्रूट और ज्वेलरी दोनों पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। लेमन को स्लाइसेस में काटें, उंगलियां बचाकर। एक बेकिंग ट्रे पर लेमन के स्लाइसेस रखें और उसे गर्म ओवन में रख दें। जब तक ये सूख ना जाए इसे कुक करें, बिल्कुल इस तरह। पर ये खाने के लिए नहीं है। और अब लिक्विड ग्लास का एक कंटेनर भरें। अब स्क्यूअर पर लेमन लगाकर इसे ग्लास में डिप करें। ध्यान रहे कि अच्छे से कोट हो जाए और फालतू का लिक्विड नीचे गिर जाए। स्क्यूअर से होल बनाकर इसमें एक इयररिंग हुक लगाएं। दूसरे स्लाइस के साथ भी यही करें। वाह, मुझे ये पसंद आए। नेचर से बनाई हुई चीज। मुझे अब पैसे भी तो कमाने हैं। ये दुकान खुल गई है। तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत पसंद आए। मैं एक पेयर लूंगी। ये लो। हाय ईवा, मुझे तुम्हारे इयररिंग्स पसंद है। इसके बदले ये ले लो। बिल्कुल। ये लो। वाह, मुझे सच में चाहिए थे। बहुत प्यारे हैं। मुझे शैम्पू कमर्शियल में होना चाहिए। मजा आ गया। और मुझे ये शेल मिला। मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छा गिफ्ट रहेगा। चलो इस शेल से कुछ खास बनाएं। पहले इस शेल पर ब्लू पेंट करें। कोई स्पॉट ना छोड़े। अब इसे सूखने दें। और अब हमें गोल्ड पेंट चाहिए। शेल के बिल्कुल कोनों पर गोल्ड पेंट लगाएं, बिल्कुल इस तरह। एक वायर लें और प्लायर से इसे मोड़ दें। हमें इसमें एक लूप बनाना है। शेल में एक होल करें और इसे वायर निकाल लें। वायर पर एक सुंदर सा बीड लगाएं। अब प्लायर से वायर को बंद कर दें। हम नहीं चाहते ना कि ये गिर जाए। अब एक और वायर लें और इसे शेल पर लगा दें। इसे इसके आसपास घुमाते जाएं ताकि हमें कुछ ऐसा मिले। जब ये हो जाए आप इसे पीछे की तरफ लगा दें और अब चेन जोड़ें। अब आप हमेशा ओशन का एक हिस्सा अपने साथ रख सकते हैं। हे, मैं यहाँ बैठ जाऊं। तुम कैसे हो? ओह, हाय। मैंने तुम्हें बीच पर देखा और फिर मैं तुम्हें ये देना चाहता था। सच में? मेरे लिए? ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है तुम्हें पसंद आया हो। ये तो बहुत खूबसूरत है। तो हम कभी बाहर मिल सकते हैं? कुछ खाने चलेंगे? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी आना चाहूंगी। हाँ? क्या
क्या ये मेरा नेकलेस है? तुम्हें ये कहाँ से मिला? चला होगा। ये लड़के भी ना। ओप्स, मैं इस तरफ जा रही हूँ। ये क्यूट है। बू! ये सब मत करो। हे, मेरी एक फोटो लो। हाँ ठीक है। हाँ, मैं एक पोज मारूं? हाँ बिल्कुल, अच्छे लग रहे हो। मैं कैमरा के सामने बिल्कुल नेचुरल हूँ। ओप्स, नहीं। बाल बाल बचे। जरा रुको, मेरे नेकलेस से मुझे एक आइडिया आया। इस हैक से अपना फोन सेफ रखिए। पहले एक लंबा सा थ्रेड ले। अब हमें एक डेकोरेटिव बीट चाहिए। थ्रेड पर बीट लगाएं और अलग अलग कलर्स के बीट्स लगाएं। कलर्स को इस तरह बदलें। जब ये हो जाए तो इस थ्रेड को बांध लें और ये बन गया आपका नया ब्रेसलेट। फालतू का थ्रेड काटी नहीं, हमें ऊपर की तरफ एक छोटा सा नॉट और बांधना है ताकि इसमें एक लूप बन जाए। एक तरफ इस ब्रेसलेट को रखें। अब हमें चाहिए फोन केस। केस की साइड से इस तरह निकाल लें और अब लूप से ब्रेसलेट निकाल लें। ध्यान रहे कि ये टिक जाए। अब केस में अपना फोन डालें। एकदम क्यूट, फैशनेबल और प्रैक्टिकल। मैं स्मार्ट हूँ ना, बस मुझे इसे अपने हाथ में पहनना है और मेरा फोन गिरेगा नहीं। वो, अब तुम मेरी फोटो ले सकती हो। ओ हाँ, आ गई। बहुत अच्छी फोटो है। कितना खूबसूरत है। 2 हफ्ते हो गए, पता भी नहीं चला। हमने साथ कितना अच्छा समय बिताया। इमोशनल हो रही हूँ। ओह हाय डेविड। मुझे ड्रिंक चाहिए, बाहर बहुत गर्मी है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये क्या है? एनिवर्सरी प्रेजेंट। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहती थी। वाह, थैंक्स। इसे पकड़ो जरा। ठीक है, ज्यादा नहीं है, पर उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। ये तो बढ़िया है, मुझे यही तो चाहिए था। तो तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? हाँ, क्या? मुझे समझ नहीं आया। मैंने तुम्हें एक प्रेजेंट दिया तो। हाँ, मैं तो ये सब भूल ही गया था। मेरे पास बेटी के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे पास कुछ है। अपनी आंखें बंद करो। मुझे सरप्राइजेस पसंद है। अब मैं क्या करूँ? समझ गया, जल्दी जल्दी में गिफ्ट चाहिए, हम संभाल लेंगे। सोडा कैन से फुल टैब्स निकाल लें। 3 टैब्स को पिंक कलर करें, थोड़ा सा गंद मच जाएगा। बाकी टैब्स को ग्रीन पेंट करें। इन्हें अच्छे से पेंट करें, जरा भी ना छोड़ें। अब इन्हें सूखने दें। इन्हें उल्टा करें और इस साइड भी पेंट करें। इन्हें सीधा रखकर मेटल रिंग से जोड़ दें। इयररिंग हुक्स लगाएं और ये बन गई एक अनोखी ज्वेलरी। हाँ, तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। क्या ये मेरे लिए है? तुम्हें पसंद आए, ये तुम पर जचेंगे। ओह, बहुत पसंद आए। थैंक यू। मुझे कान दिखाओ, क्या ये? वाह, क्या कोइंसिडेंस है। तुम बहुत प्यारे हो। मुझे अपना मेकअप पूरा करना है और मैं तैयार हूँ। लो, अच्छा लग रहा है। और मुझे नेक में कुछ पहनना चाहिए, ये स्कार्फ सही रहेगा। अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे सुपर हीरो का केप हो। कैसा है ये? नहीं चलेगा, मैं नहीं पहन सकती। एक आइडिया है, मैं निकाल लेती हूँ। मुझे यही तो चाहिए। एनी, तुम क्या कर रही हो? मुझे चाहिए, प्लीज। ये अच्छा लगेगा। मुझे लगा था कि अच्छा लगेगा। मैं क्या पहन सकती हूँ? ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। कैसा लग रहा है? बकवास है, मैंने क्या सोचकर पहना? अब मैं क्या करूं? कितनी गलत बात है। अरे, मुझे कुछ खाना होगा। ये अच्छे हैं। क्या हुआ हनी? मुझे एक सुंदर सा नेकलेस चाहिए। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? ये जरूर काम करेगा। थैंक्स मॉम।
प्लास्टिक फूड कंटेनर से नीचे का हिस्सा निकाल दें, एक पेपर पर अपना नाम लिखें और उसे ढक्कन पर लगा दें। अब प्लास्टिक पर अपना नाम ट्रेस करें, हमें अब ये पेपर नहीं चाहिए। कैंची से इसका नाम काट लें। ध्यान रखें, कोई गलती ना करें। बेकिंग शीट पर रखें और ओवन में रख दें। इस हीट से प्लास्टिक श्रिंक हो जाएगा। अब इसे ठंडा होने दें और ओवन से निकाल लें। चलो क्रिएटिव हो जाए। प्लास्टिक पर पेंट करें, पेंट को सूखने दें। अब इसे चेन से जोड़ दें। मेरा खुद का पर्सनलाइज्ड नेकलेस, वो कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ अच्छा खा लेती हूँ। हाँ, ये कैसे हुआ? ठीक है, चलो एक गेम खेलें। मैं इस नेकलेस को कप के नीचे रख देती हूँ, इन्हें आगे पीछे करो और नेकलेस वाले पर अपनी नजर जरूर रखना। इतना काफी है? ठीक है, कौन से कप के नीचे नेकलेस है? पहले में, दूसरे में या तीसरे में? जरूरी नहीं है ज्वेलरी महंगी ही हो, बस थोड़ी क्रिएटिविटी भी काम आ सकती है। हमें बताएं कि नेकलेस किस में है और कमेंट्स में अपने गेसेस लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।